गुड मॉर्निंग गाइज, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं सब मजे में होंगे। तो वेलकम बैक टू नो ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग किस तरह का? सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। तनु जाएगी स्कूल और उसका खाना बना दूंगी। और पीछे से ना इतना रेता हुआ, पीछे से ऊपर वाला जाड़ ना खुला था, तो ऊपर इतनी आंधी चली थी, कल इतनी आंधी चली थी, तो सारा रेत नीचे आ चुका है। पीछे का साफ किया मैंने, पीछे झाड़ू पोछा करूंगी तनु स्कूल जाने की बात। तनु करने लगी इधर सुबह सुबह प्रश्न का बेटा, मैं कर दूंगी, तू ना ले, इतने जल जाएगा बेटा, जल्दी जल्दी मार ले। ये प्रेस ऐसी नकली सी है, इसको दूसरी को ठीक करवाना पड़ेगा, है ना? पेंट इसका ना होएगी तो मैं कर दूंगी दूसरे को, ठीक है? और इधर आलू शिमला के तनु की बना रही सब्जी, थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि मैंने तो खानी नहीं। और ये बाहर रख दिया मैंने दूध क्योंकि बर्फ़ जमी हुई थी, इसमें देखो कितनी बर्फ़ जमी हुई है। इसकी मलाई उतार के यार गर्म कर दूंगी। ये मटका लेके आई थी मैं, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी रहेगा। ये मैंने ना ये बोला था उन्होंने, पंखे से बचा के रखी हो, तो मैंने इधर रख दिया। ये तन्नू का खाना रेडी कर दिया, देख लो मैंने टिफिन में डाल दिया। कर दी मैंने। तन्नू कह रही है गुड मॉर्निंग कर दो। और तन्नू कह रही है मम्मा काम ना करना, आपकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं यार, मैं रोटी भी नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि मैंने देखी से तो रोटी भी सब्जी बना ली। हिम्मत होगी जब नाश तो हिम्मत नहीं होगी तो काम मत करना। आंटी ने कहा वो लस्सी है कि एक बार बता दो मम्मी ने फोन करके, लस्सी के साथ दवाई लेनी है। और बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई, फिर भी काम पे जाना पड़ रहा है। कई दिनों की सिलाई करे भी 2 महीने हो गए, पूरे 2 महीने काम तो करना पड़ेगा। और हिम्मत है ना, बिल्कुल खाए पिए भी ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल भी। पैर तो जवाब दे चुके मेरे, आ देखो कपड़े की क्या हालत हो रही है, बिल्कुल लूज हो गए। और ये सूट तो शाम को दिखाएंगे आगे, ठीक है? ये बैग ठीक है क्या छोटा सा? ठीक है। हैं अभी क्यों पैसे लगा रहे, बाद में जो ठीक है और ले जा, टिफिन ले जाता। रूम में ना बिल्कुल ठंड ठंड महसूस हो रही है, बिल्कुल एकदम से, क्योंकि एसी चल रही थी पूरी रात। क्या किसकी? क्या जब सब पर कमरा बना है नीचे एसी की कूलिंग अच्छी होने लगी। हां ये बात है, मैंने सोचा कूल एसी ठीक होगी, क्या ठीक हो गया, कूलिंग ठीक हो रही है। और जैसे मैं अपने दरवाजे भी बंद नहीं करके सोते, है ना? यही बात हो रही है, यही हो रही है। कमरा बन गया ना तो जब ठंडी हो रही है। हमारा ऐसे भी तरह समझ आ रहा है, बोले अभी बैलेंस नहीं है, नया तो ले नहीं सकते, मुझे ठीक होना पड़ेगा। हाँ ये खराब दे दिया तनु, उन्होंने अपने बड़ों के खराब दे दिया। हमारे साथ ना सारे यही करते हैं, हमको इतना ज्ञान नहीं है, हमारे घर पे यही काम हो रहा है, सारे घर पे डबल डबल पैसे लग रहे। रसोई भी दोबारा से तैयार हुई, और ये एसी वाले ने भी गंदी एसी दे के रख दी। सुशीला मेरे ब्लॉग देखती होगी, बोल रही दीदी आप क्या बोल रहे हो, ठीक है देख लिया भाई। आज मेरा नहाना धोना रह गया और काम कंप्लीट हो चुका है, देखो सारा काम कंप्लीट कर दिया एक मिनट में। और 9 बजे हैं अभी तक और काम पूरा हो चुका है, मेरा नहाना रह गया और सब्जी बना दी उधर मेरी गिया। और मैंने इतनी कीड़िया हो रही है। अब लक्ष्मण रेखा लगाई है, देखो लक्ष्मण रेखा लगा दी मैंने, मगर सारी जगह बनी आएगी, सारी रसोई में ऊपर लगा दी और नीचे लगा दी, सारा कर दिया। और उसके फिनाइल से पोछा लगाया था मैंने, फिनाइल सोरा डाल के, और जब 4 बाल्टी साथ मैंने पोछा लगाया क्योंकि बच्चा ना हो तो अपने 2 बाल्टी में लगाती तनु, मैंने 4 बाल्टी में लगाया क्योंकि 1.5 महीने में नंबर पड़ा है मेरा आज पोछा लगाने का। और आज इतनी बड़ी मुश्किल से काम किया मैंने क्योंकि 1.5 महीना हो गया तनु, सारा काम तनु कर रही है। अरे अब रूटीन से मैंने ही करना पड़ेगा क्योंकि वो तो स्कूल जाने लगी भाई, रात के साथ वो दिन तक जाती है, 2:30 भी जाती है, फिर वो पोछा थोड़ा लगवाऊंगी मैंने, अपने धीरे धीरे करके मैंने लगा लिया। तो भाई हम शॉप पे पहुंच चुके हैं, पहुंचते सब मैंने साफ सफाई एकदम से कर दी है, इधर मैंने मेरा सूट धो के सुखा दिया है जो था सीला हुआ सूट था, अब इसको अल्टर करके जब भी पहनूंगी। तो भाई हम सोने का लेके आए हैं, क्या ये गले का लॉकेट बनवाया मैंने तनु के शादी के लिए, तैयारी कर चुकी हूँ मैं, ये देख लो कितना अच्छा लॉकेट है, बताना कमेंट में कैसा लग रहा है ये, ठीक है? सोने का करवाया, अब कितने का बनाया, क्या तोड़ा का ही हो, 10 ग्राम का 8 ग्राम का ही हो, ग्राम का तो आपने ग्राम का मुझे पता नहीं पर है सोने का अच्छा लग रहा है। शादी की शुरुआत मैंने कर दी, ये तनु ही है बट तनु लग रहा है। सही है बोला था मैं का बेटा घर चली जाइयो, मैं 4 बजे आ जाती। चौहरा भी यही बजा दूंगी, देख लेना दिखा दूंगी आप चाहे। हमारे दुकान पे भी इतना बड़ा शख्स है बैठा, बता दे कौन। इतनी मुश्किल से आई है भगवान, तेती माँ इतनी गाली दिया कर दी, इतनी गालियां मखा जरूर देख दी पाओगी, मैं जरूर जान करके बोला करती तुम्हें। हाँ देखा करती, शॉर्ट वीडियो भी देखा करती और मैं ब्लॉग भी देखा करती। तेरे जाए पाछा मैंने छोटे वीडियो नहीं बनाई है, इंस्टा की है, पर तेरे जाए पाछा ने सारी वीडियो स्टूडियो छोड़ दिया हमने, ठीक है? हाँ वीडियो भी बनी, डिलीट कर रखी आपने, मैंने देखा था, डिलीट कर दिया ना तेनो। 4 बजने वाले लेकिन मम्मी का अब तक घर पे जाने का टाइम नहीं हुआ है,
है और क्या फिर 4 बजे मैं आ जाती मैं घर पे, पर क्या कर रही होती मैं, बैठी होती ऐसे ही। हाँ तो बस अभी हर जगह पे टैबलेट मिलेंगी, पहले दवाई है ना दूर दूर तक घर में नहीं होती थी, वही करना पड़ेगा, केमिस्ट की दुकान खोलनी पड़ेगी। और मैंने अब तक चेंज भी नहीं किया, अब घर जाके चेंज करेंगे और कुछ खाऊंगी, मैंने कुछ खाया भी नहीं अभी। गाइस मौसम बहुत सुहाना सुहाना हो रखा है लेकिन पता नहीं कितनी देर के लिए है, फिर बारिश आ जाएगी। तो गाइस अब मैं ऐसे फेस कवर करके रखने लगी, गर्मी आ गई और अब थोड़ी सी फेस की चिंता करनी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा फेस, होगी काला काला लगने लग जाता है। फुल बाजू की पहन के जाया करूंगी, अब हाथों में हाथ भी काले होने लगे, वो गंदा लगता है यार, बड़ी होगी ना। हमारे घर के पास में फ्लाईओवर्स है, उसके हमारे है ना नुकसान भी और फायदा भी है। फायदा तो ये है कि पास में अगर जाना था स्विमिंग पूल में आप नहा के आ सकते हो, और नुकसान ये है वहाँ पे बजते हैं गाने और हम घर पे जाके फिर व्लॉग ले ही नहीं पाते हैं। अब वो चल चुका है वहाँ पे, गाने फुल वॉइस में बजेंगे, स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ शाम को बंद होते हैं मम्मा जी, लोग दिन में भी आते हैं। और अभी थोड़ी सी गर्मी हो रहा था तो सैटरडे संडे को इतनी भीड़ रहेगी यहाँ पे, इतना हो रहा था। हाँ संडे को ज्यादातर बच्चों वगैरह की छुट्टी होती है ना स्कूल की, इतनी भीड़ होती है। साथ के बच्चों ने घर पे जाके खा पी के सो के नहा धो के दोबारा नहा धो के वो लोग सो गए होंगे, और मैं तो घर तक घर नहीं पहुंची, मैंने ड्रेस तक चेंज नहीं किया। मैंने तेरे को बोला था 4:30 बज चुके हैं और कहीं मेरी 2 बजे मैं दुकान पे पहुंच गई थी स्कूल से। देखा मैंने बोला था ना धूप आएगी, आप ही कह रहे थे नहीं आए, स्कूटी की कल सर्विस करवाई थी। और यहाँ पे यही पे ऐसे होता है, यही होते हैं भाई, एक तो रास्ता इतना खराब है, खड़खड़ स्कूटी होके खराब हो गए हमारे बिल्कुल 2 किलोमीटर हाँ, हमारे दुकान से यहाँ तक बहुत दूर पड़ जाता है घर, कहने की बात है। तो हम आ चुके हैं घर, आते साथ कपड़े चेंज किए हैं तनु न करके, और वो गई है बाहर एक बार, और इधर मैंने सूट निकाल के रख दिया है इसके ना, एक तो ये तनी उधड़ गई थी ये लगाऊंगी, और 2 सूट मैंने ठीक करने हैं, और 2-3 सूट मेरे जो खुले हो चुके हैं वो टाइट करूँगी। अब बज चुके हैं 4:30, मैं अभी करूँगी 5:30 बजे से करूँगी 2-3 सूट ठीक, अभी नहीं करूँगी बिल्कुल, अब तो करूँगी थोड़ा सा आराम उसके बाद करूँगी काम। अभी मैंने है ना चेंज कर लिया है, और मम्मी देख रही है पीछे अयान तुबार का ब्लॉग, मलिक किड्स वाले ब्लॉग देख रही है मम्मी, वही चला ही रखते हैं मम्मी सारे दिन, कभी उनके शॉर्ट वीडियो देखती रहेगी कभी कभी ब्लॉग, अब वो जैद और का अलग चल पड़ गया ना सारे दिन उसमें वही रहते हैं, तो मम्मी वो देखती रहती है। तो मम्मी को लग रही है भूख, तो अभी मैं मम्मी के लिए कुछ बना देती हूँ खाना वगैरह, आटा रखा है आटा बनाऊंगी कह रही हूँ, सब्जी और आटा रखा है, रोटी सेक देती हूँ और सब्जी गर्म कर देती हूँ। तो गाइस हवा इतनी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, अरे हमारे पड़ोसी है ना घर छोड़ कर जा रहे हैं, आज खाली होने लग रहा है कमरा देख लो इनका, और हमें बिल्कुल एक पड़ोसी था हमारा तो वही जान लग रहा है भाई। तो गाइस देखिए हमारे पड़ोसी जा रहे हैं, एक ही पड़ोसी था लिया दिया वो भी भाग गए हमारे को तो छोड़ के, बिन मौसम कह रही हूँ, बिन मौसम की बारिश आ जा रही है, देखना अच्छा हो रहा है इधर तो, बिन मौसम की बारिश आ रही है भैया का सामान गिला करने के लिए। अब मौसम की तो नहीं है, बादल तो करे रखे 4 बजे के जब आ रही है, तो अब ना तो सर्दी ना गर्मी तो आ खेरा है, और गाइस जब हमारे साथ बहुत ज्यादा पुप हो चुका, 3 दिन से सी बुआ जी रुसी हुई है मेरे से मन अच्छा। नहीं रहे बिल्कुल। तो गाइस तूफान देख लो कितना जोर का तूफान आ चुका है, बहुत जोर का तूफान देख लो, तन्नू को कह रही हूं देख रहे हो सबकी मैं गिर गया तो रहने दे उठ जाएगी बेटा, चलो इतनी भी हल्की नहीं हुआ है, इतनी हल्की कितना जोर का तूफान है मामा, सांप की भौंमड़ी थी मेरे ऊपर, तो मैंने सोचा पैर पक्की चलने लग रहा है, कहाँ गई फिर अब सीट के नीचे होगी, उधर चली गई मेरे अंदर तो चौका सांप निकल जाता पूरे ना, काटती नहीं है वो, काटती नहीं है, आज हमने स्कूल में भी देखी थी इतनी लंबी थी मेरा जी नहीं खड़ा था मैं एकदम से क्या हुआ बता नहीं, मैं चिल्लाई आपको तो वैसे ही सांप से इतना डर लगता है। तो गाइस बस अभी है ना मैं काम कर रही थी, और अभी मामा जी आए हुए थे घर पे, मामा जी जस्ट अभी गए हैं, मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी वो मिलने आए थे मम्मी से, लाइट नहीं है और 4-5 घंटे हो चुके हैं लाइट आए, लाइट नहीं है कहाँ, देखो ऐसी चलाने गई है देख ले चला तो ऐसी ज्योतबत्ती कर देती, ज्योतबत्ती नहीं करी क्योंकि इसका मामा हुए थे ना कई देर लगी, 7 बजे आए थे अब 9 बजे गए हैं, अब करूँगी पूजा पाठ क्योंकि मैंने किया नहीं था, और खाएगी क्या रोटी नहीं खाई हो ठीक है, दूध पी के सो जाइए ठीक है ना, दूध रखे फ्रिज में ठंडा हो जाएगा, कोल्ड कॉफ़ी पी कर सो जाइए क्योंकि रोटी अब इसको 4 बजे खाएगी दोबारा, अब खाएगी तो इसका फिर गड़दाई हो जाती है, कहीं देने से जड़न होने लग जाती है, गैर टाइम खाने से इसके भी तकलीफ रहने लगी, मेरे तो रहती है पर इसके भी रहने लगी। तो किसी ने बताया है कि एक ना भिवानी में बंसीलाल पार्क ना उधर है ना शेक पिलाता है, उससे ना पेट का सारा रोग दूर हो जाता है, कई दिन 1 महीना पिलाएगा
और उस समय सारे रोग दूर हो जाते हैं भाई जो अलग अलग तरीका का शेक पिलाता है, शुगर का अलग, बीपी का अलग, पेट का अलग, अल्सर का अलग। तो मैं कल जाऊँगी आराम हो गया तो आज तो मेरे को इतना पेन है कि मैं रोई हूँ आधा घंटा रोई जिसको मम्मा हो रहा है जब, आज तो इतना दर्द हो रहा है इधर, बहुत पेन हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा। और कुछ ना खाऊँ तो चक्कर आने लग जाते, खाऊँ तो दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम ये हो रही है मेरी। तो कल भगवान करे बस मेरी दवाई लग जाए और मैं थोड़ी बहुत फिर गया। और तन्नू भुजिया की नरिया मैं कितनी खा लूँ, हमारे घर में कोशिश करे ना हमारा तला हुआ नहीं आया, तो हमारे घर में इतना तला हुआ आता ना, बेहद तला हुआ आता देख ले, तन्नू खाती है सारा। झूठे इतने झूठे, मम्मा पहले है ना तो बोलना नहीं चाहती। ओ क्या ना तू बोल ही दे आज, ना ना तू बोल दे आज, आप कह रहे लोग हैं पहले झूठ बोलने वाले मर जाए कर कर नहीं जड़ता है। लाइट तो नहीं है क्या करेगी अब तू, क्या है वो उधर अंदर कर ले, क्या करके लेके आएगी, लाइट वगैरह बंद कर दे भाई, लाइट बंद कर, एक तो लाइट बंद कर दे भी वो आवा है, लाइट नहीं है, कभी इन्वर्टर खत्म हो जाए बेटा, अच्छा बोल रही हूँ मैं, नहीं तो गली में सोना पड़ेगा। अच्छा एक काम और कर, अच्छा मुंह नहीं दिख रहा था क्या मेरे को, क्या होता, अच्छा ये कह रही हूँ एक ना मिठू के लिए बोतल निकाल दे पानी की, मिठू की मम्मी ने कहा दीदी एक बोतल दे देना, ऐसी ऐसी बोतल नहीं थी छोटी तनु वो दे दे, बहुत ज्यादा छोटी है, एक गिलास पानी तक ना है उसमें। तन्नू ये कह रही है मैं सारी चीजें मेरे ससुराल लेके जाऊंगी मेरे जिठानी के बच्चों के लिए, अगर हुई ना तो मैं तू बचा बचा के क्यों रख ले, दे नहीं देती उनको, मिठू को दे दे एक बोतल, मिठू को दे, मैं कहां जाऊं कौन सी दुनिया में जाऊं मैं, मिठू को दे। गाइस मैं ऐसे ही करती हूं, आप लोगों को लगी तन्वी और एक्टिंग कर रही है, तन्वी कभी नहीं करती और एक्टिंग, एक माच के नहीं बोलती कभी भी, ये कभी भी और एक्टिंग नहीं करती भाई, इसका बेचारी कभी कभी हंसती है। इंस्टाग्राम पे रील देखी एक लड़का रील में तो गाइस ऐसे मतलब ये होट ऊपर कर रखी है उसने बिल्कुल ऐसे, लोग कह रहे भैया आपके होटो को क्या हुआ, आपने सर्जरी करवाई है क्या, सर्जरी करवा रही है रूफी रूफी ने उफी वो भी रूफी उफी सर्जरी करवा रही होटो की, आज देखिए पाउटिंग पाउटिंग से ऐसे मोटे मोटे कोई कुछ नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते है ना बिल्कुल, नई सेलिब्रिटी जितने भी है ना मतलब उन सब ने पाउट मतलब ये बहुत मतलब सर्जरी होती है कुछ इसके अंदर है ना कोई केमिकल होता है फिर क्या जाता है होता है अच्छी अपनी होटली का लिपस्टिक मारी वैसे दिखती है ऑटो पे, मम्मी वही ट्रेंड है, ट्रेंड अच्छा नहीं लगता, निकाल दे बोतल है, मैं रूबी रूबी वही देख रही हूं, मैं रूबी रूबी कर रही हूं, रूबी उठा दे एक बोतल निकाल दे बेटा, ये बोतल देगी क्या, नहीं पड़ी है बेचारी, मैं तो यूज भी नहीं करती, अच्छी लगती है अगर लेके भी जाऊं तो, क्यों क्यों अच्छी रहा हुआ उसमें अच्छी लगती है, ये ठीक है ये दे दे फिर, या पे मॉल में से लेके आ देना, नहीं वो नहीं है, और क्या था वही, चल ये दे दे, ये कहाँ से आ रही है बारात है, ये कह रहे सपना की शादी कराएंगे आ रही है मेरी तो होली अगले जन्म में होगी ठीक है।